स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के लालकुआ में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री का स्वागत। पहली बार लालकुआ पहुंचे अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला व ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं मंत्री अजय भट्ट ने दोनों हाथ जोड़कर सभी का आभार माना। यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा का काफिला लालकुआ पहुंचा, जहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं एवं आतिशबाजी कर मंत्री अजय भट्ट का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कोतवाली के समीप एक सभा आयोजित की गई, जिसे संबोधित करते हुए मंत्री अजय भट्ट ने केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से देश का चौमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर कहा कि केंद्र सरकार पल पल की नजर बनाए हुए है। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। आप जानते हैं कि हमारा जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, इसी में हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। आशीर्वाद के कारण ही आज मोदी जी ने 7 सालों में भारत का कायाकल्प कर दिया है, दोबारा इसीलिए जनता ने आशीर्वाद दिया। और हमें जो मंत्री बनाया है, हम बिना अपनी जनता के आशीर्वाद के यहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। पहले सांसद बनाया, तब मोदी जी की टीम में मोदी जी ने हमको सम्मिलित किया, इसलिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पुनः हम बीच में हैं। और ये प्रार्थना जनता से है कि अपना प्रेम, अपना सद्भाव और अपना स्नेह इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रहें। और यह भी विश्वास दिलाते हैं जनता को कि हम कहीं पर भी जनता के विश्वास को ठेस नहीं लगाएंगे, कम नहीं होने देंगे। मंत्री जानना चाहेंगे कि देखिए, ऐसा है, अफगानिस्तान के बारे में आपको पता है कि अधिक मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी केंद्र सरकार की नज़रों में एक एक चीज़ें हैं और वहां से नागरिकों को लाने का पूरी व्यवस्था हो रही है। कल एक खेप मेरे अंदाज से आ भी गई, आप सबको मुझसे ज़्यादा जानकारी है, इसलिए इसमें मैं समझता हूं कि हमें कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार बहुत गहराई से पूरी घटनाक्रम पर ध्यान दे रही है, देख रही है।